वेलकम टू माय व्लॉग्स। हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग्स। सो फाइनली चेकमेट रिलीज होने को है, और चेकमेट जो आ रही है 11 तारीख को आ रही है। और गैस करो आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। यस, आज मैं स्क्रीनिंग पर जा रहा हूँ हर्ष बेनीवाल की मूवी विच इज चेकमेट। रेडी होऊंगा, अभी कैब बुक करूँगा, उसके बाद निकल पड़ूंगा। थो देखते रहना, ठीक है, मिलवाता हूँ आज। बेचे। तो फाइनली मैं नोना बाबू बन के कैब में चल दिया। यस, सही समझा, भाड़े की कैब में। पता नहीं, भाड़े की कैब जब भी बुक करता हूँ तो अजीब सी अकड़ आ जाती है मेरे अंदर। ऐसा लगता है कि बाहर जो लोग चल रहे हैं साइकिल पर, बाइक पर, उन्हें गालियाँ बकता हुआ चलूँ। खैर, अमीर तो मैं हो गया हूँ, बस पैसा नहीं है। किसी भी शुभ काम पर आप जा रहे हो और भगवान का नाम नहीं लिया तो क्या किया। इसीलिए जय हनुमान। नर्वस हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। एक्साइटेड मैं एड हॉलीवुड पैकेज बुक कर रहा था यार, तेरा सुपरस्टार। ओ भाई, फट रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, मिलेंगे सबसे। एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, चलते हैं। पीछे आ गया हर्ष बेनीवाल के ऑफिस में मैं आ गया। कुंडी खड़काऊंगा, सॉरी, इनके यहाँ तो बेल होती है। ठीक है, टीजर में कोट, ट्रेलर में कोट, चेकमेट में कोट, स्क्रीनिंग में भी कोट। आए बड़े डायरेक्टर साहब। ऊपर आ गया, ये खड़ी है सामने। ओ हाय आकृति, कैसे आए हो फिर? बारिश में आया हूँ कैब में, ठीक है, कैब में बुला ली इस लड़की ने। हाउ आर यू? ये बैग था, आप आ गए ना फ्रंट। I'm fine, thank you. How are you? कौन कौन है अंदर? अंदर हर्ष भाई, रिजुल और अनु। ए, तुम्हें मिला हूँ मैं, चेकमेट के मेन हीरो, मेन वन एंड ओनली कुकू भाई। How are you हर्ष भाई? फाइनली आई एम मीटिंग। स्नैपचैट से क्यों बनाता है ये? अरे वो फ्रंट और वो बैक में कोई दिक्कत नहीं होती ना, ऐसे कर देता हूँ बैक। ये देखो क्वालिटी खराब है ना? क्वालिटी तो खराब नहीं होती, सही है। मतलब बढ़िया बैठे, बॉडी बना ली चैकमेंट वाली। अनमोल भाई, हाउ आर यू भाई? आई एम गुड भाई, आप बताओ। हाउ आर यू माय फ्रेंड? एकदम बढ़िया। ये अनमोल भाई है, ये देखो, डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, कंपोजर, प्रोड्यूसर, एक्टर। ओ भाई, वो वाली एक्टिंग करके दिखा दो, वो जो आपने उसमें करी थी, हाँ, जिसमें ताजमहल के वो जो हाथ काटने वाली होती, लिवर वाली होती है, एक बार कर दे प्लीज यार। इसे कपड़े दिखा पहले इसके। ये तो बड़े हर्ष जी ने सेंटर। ऐसा होता है ना, बड़े एक्टर का शॉर्ट रिवील होता है शूज से। वन एंड ओनली एसएसएसएन। सच बता दो, यहाँ पे किस लिए आए हो? ये कब्जा करने के लिए ऑफिस। कब्जा करने हर्ष भाई के ऑफिस पे? आज चेकमेट है, स्क्रीनिंग है चेकमेट की। बड़े भाई एजेंट, हंसी जा रही है, नर्वस भी है, हंसी भी जा रही है। बाबू क्यों हंस रहे हो इतना? भाई ट्रेलर का रिस्पांस कैसा आया तेरे को और किसी ने बोला हो तो ऐसा? मुझे तो भाई बहुत बढ़िया आया। मैंने जो अपने उससे भी डाला, मेरे को पर्सनली भी मैसेज आया, मेरे दोस्तों ने को भी बहुत पसंद आया। ये तो सच्चा, मतलब उनकी तो गांडी फट गई थी कि बेंचो, मतलब चाय बना दिया, कॉलेज में जानते भी नहीं है ना, मैं एग्जाम देने गया था तो उनको यही हो गया था कि भाई तेरी तो मूवी आ रही है प्रॉपर। भाई मेरे दोस्तों को और लोग मैसेज कर रहे हैं कि तेरा दोस्त हर्ष बेनीवाल के साथ आ गया। अच्छा, मैंने बोला भाई एडिट है वो, मेरा फेस नहीं है। नहीं भाई, ट्रेलर का तो भाई बहुत भयंकर रिस्पॉन्स था, नो डाउट, सच में। स्क्रीनिंग के लिए हमने जो है यूनिकॉर्न्स बुलाए हैं, गाय हैं। भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए? मुझे भी लगता है। क्यों है क्या ये? है ना, मतलब सबमरीन वाला हिसाब हो जाएगा, ओशन गेट वाली है। वाटर प्लीज हेल्प मी। पीछे से होगा वैसे, कोई टर्न तो होगा। फक भाई, गाय के पैर खत्म हो गए इसमें। मोहित भाई आ गए मेरे व्लॉग में। कैसा लग रहा है? मोहित भाई बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो मिलते रहेंगे, लेकिन मैं सच बताऊं बहुत फट रही है एहसन, और मेरी बहुत हो रहा हूँ एहसन, और मेरे तो ऐसे धक धक हो रही है, दिल की धड़कन नहीं रुक रही। यहाँ से राइट, एहसन तब से बोल ही नहीं रहा कुछ। यहाँ से राइट भाई, राइट।
ऐसन बोल ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा, तब से चुप आया है। चेकमेट की स्क्रीनिंग के लिए बुलाया था ऐसन और मुझे, और ये लोग यहाँ पे गिल्ली डंडा मतलब टेबल टेनिस खेल, टेबल टेनिस में चेकमेट कर रहे हैं, टेबल टेनिस में चेकमेट कर रहे हैं। हर्ष भाई ऐसन भाई अब विश्वास नहीं हो रहा ना कि हमें गलती से आ गए हैं, है ना, ऐसा लग रहा है, लग रहा है इन्होंने बुलाया नहीं है तो बस जबरदस्ती घुस गए हैं। हाँ हाँ बोलते बोलते कि हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। देखो हमारे व्लॉग में पिक्चर हो रहे हैं, मोहित भाई को पता नहीं है वो पिक्चर हो रहे हैं। चुप, हमने चुपके से कास्ट कर लिया इन्हें, बना रहे हैं इन्हें पता भी नहीं है कि हमने इनको अपने व्लॉग में कास्ट कर लिया। आवाज़ भी आ रही है हमारी इसमें, नहीं आ रही होगी, डब डब कर देंगे, डब कर देंगे, इतना बड़ा घर है, चहल पहल रहती है। स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं, हट जाओ, हट जाइए, पल पल क्राउड हटाओ। ऐसे में लाया तूने, इधर से हटना, ये थिएटर दिखाना। थिएटर का है, इसमें कितने प्यार से मिलाया पता है, ये हमारी डायरेक्टर हैं, इनकी तारीफ करो। मैंने ये नहीं बोला तारीफ करो, आप इसमें आप जो आप बोलो, खुद ने तारीफ की ना, ये हमारी डायरेक्टर है इनकी तारीफ करो। और आकृति धक धक क्यों हो रही है, क्योंकि बस हो रही है। हाँ बताओ बताओ बताओ, पहली वीडियो है, 17 दिन की मेहनत तो हमारे सामने है, ठीक है, दिन रात की, और 4-5 महीने पहले की मेहनत, उसके बाद की भी मेहनत, उसके बाद की मेहनत, तो पीटी सर, पीटी सर बोल रहे सीट पे बैठ जाओ, पीटी सर बोल रहे सीट पे बैठ जाओ, सेंटर में इधर बैठ जाओ, इसने डायरेक्ट करी है, इसने तुमने करी है डायरेक्ट, ठीक है ठीक है, बस इतना ही, देखो इतना ही बोल रहा था आपसे, जितना पूछा। अच्छा स्नैपचैट से क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, और क्यों करूं क्या, उसमें अच्छा हो गया ऐसा कुछ है? नहीं मैं वैसे भी, वो तो ऑब्वियसली कुछ दिक्कत आ गई है, मालिक सब खुद ही टेक कर रहे हैं पेचकस वगैरह लेके, ये बैठे हुए हैं आराम कर रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आए यहाँ पे और मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग आए हैं, और काफी प्राउड फील हो रहा है कि कैसे 7 सेकंड की वीडियो तो बनाते थे, आज एक पूरी स्क्रीन नहीं रख रहे हैं 1.5 घंटे की अपनी, घंटे भी नहीं, 1 घंटा 50 मिनट। सो थैंक यू सो मच जितने लोग आए हैं, और जिनको नहीं बुला पाया आई एम सॉरी, क्योंकि हमारा सीटिंग इतनी थी, पैसे नहीं थे थिएटर के, तो विलन भाई के अपार्टमेंट में स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम। तो अगर भाई देखो इसलिए बुलाया तुम लोगों के, तुम मेरे को ट्रू रिव्यू दे दो कि कैसी है क्या नहीं, ताकि हम उसी हिसाब से अपनी चीज़ें भी एडिट कर लें, एंड कुछ भी दिक्कत लगती है अभी हमें ज़रूर रिव्यू देना एंड में कि कैसी लगी आप लोगों को, एंड जब मेरी एंट्री होगी हूटिंग कर देना थोड़ी सी, ठीक है, और चमके देखनी है एक गो में देखेंगे, और ये भी व्यूअर्स के लिए भी जो भी देख रहे हैं वीडियो जब आएगी 11 तारीख को, तो मेक श्योर आप ये एक गो में देखें, अगर आपके होम थिएटर तो होम थिएटर में देखें, तो हेडफोन्स में देखें, एंड विद फैमिली देख सकते हो, बस यही है, बाकी थैंक यू सो मच, इन्जॉय करते हैं मूवी। ओके गाइस चलो, तो दोस्तों अभी जो है इंटरवल हुआ एक छोटा सा, पहली बात तो इतने बड़े पर्दे में अपने आप को देख के मेरी तो मेरा पता क्या मन कर रहा था ऐसे बोलू बीच में, बस भाई मजा ही आ गया भयंकर। मजा ही आ गया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी इतना ही मजा आए, और अपनी एक्टिंग तो क्या ही, खुद तो जज नहीं कर पाते। राजन भाई आप बताओ आपको कैसा लगा मेरा पार्ट? यार बहुत अच्छा लगा, पंचेस बहुत फट रहे हैं, उस टाइम पे तो ऐसा था कि बार बार कर रहे हैं, कभी वाइड हो रहा है कभी क्लोजअप हो रहा है, अपने आप को तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मतलब क्या है, और बता यार हमारे पास ना वर्ड्स नहीं है, आप ही लोग बताना कैसी लगी आपको।
अब बताओ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार, और केमिस्ट्री जो ऑफ स्क्रीन थी वो ऑन स्क्रीन भी है, तो ये देख के बहुत मजा आ रहा है जो जोड़ी बन रही है एजेंट की। लेट्स सी बाकी लोगों को कैसे लगता है। See you at the theater soon. मामू जान बहुत सटल एक्टिंग करी आपने, बहुत मजा आया सच में। आई रियली मीन इट। तुमने देखा? प्लीज चेकमेट देखना, डायरेक्टर साहब ने डायरेक्ट करिया एंड तक चेकमेट। बाय। अनमोल भाई को जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता सच में। आई मीन बड़े पर्दे तो ऐसे लग रही है कि एग्जीक्यूट कितना मजेदार हो गया भाई। हां भाई, ड्रामा की लिफ्ट लग रही है, ड्रामा की डेन लग रही है। अभी दबा दूं टिक टिक के बीच में कह रहा जादू। आप तो जादूगर हो अनमोल भाई, नो डाउट।